लगातार हो रही बारिश के बीच बैतूल के कई इलाकों में मौसमी बीमारियां फैल रही हैं। ताज़ा मामला मुलताई ब्लॉक के रिधोरा गांव का है, जहां मौसमी बीमारियों से लगभग 200 से ज़्यादा ग्रामीण पीड़ित हैं। वहीं गांव में एक महिला की मौत हो चुकी है। गांव में इलाज की बेहतर सुविधाएं नहीं होने से लोगों को फर्जी डिग्रीधारी झोला छाप डॉक्टरों से इलाज लेना पड़ रहा है। मुलताई प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद लोगों को पीने का दूषित पानी मिल रहा है, जिससे बीमारियां लगातार पैर पसार रही हैं। बैतूल की मुलताई विधानसभा क्षेत्र के रिधोरा गांव में इन दिनों महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। गांव के हर घर में एक दो या परिवार के पूरे सदस्य ही बीमार पड़े हैं। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने से लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार वाहनों में भरकर मुलताई या बैतूल जा रहे हैं। हमारे यहाँ भैया एक गुड़िया बीमार है 8-10 दिन से, तो चिखली ले गया था। यहाँ को डॉक्टर की सुविधा नहीं है और गांव में बहुत बीमार है अभी। और अभी हमारे एक बच्चा भी बीमार है तो स्कूल गया है जबरदस्ती, मास्टर लड़ेगा करके गोली वोली खा के। यहाँ को पता ही नहीं है, कोई बोलते ही नहीं है, कोई पीएच नहीं तो कहाँ से आएंगे। इलाज के लिए बुखार आ रहा है। कितने लोग गए थे? 4-5 जने गए थे। तो मुलताई क्यों जाना पड़ा? इलाज के लिए। मतलब यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? यहाँ उतना इलाज होता नहीं ना, बहुत कम। डॉक्टर है कि नहीं गांव में? है यहाँ भी प्राइवेट, यहाँ उतने डॉक्टर नहीं है ना। प्रदेश की पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे की विधानसभा होने के बावजूद गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद हैं, जिससे झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने की मजबूरी है। पीने का पानी बेहद दूषित मिलता है और इलाके में कीचड़ भरी दुकानों और गंदगी से लोग परेशान है। सर यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। घर के पास स्कूल है लेकिन उसमें साफ सफाई नहीं है। संडास से घर घर नहीं है, एक दो गिनी चुनी संडास है। जो बड़े लोग है वो संडास बना लेते, छोटे इलाके लोगों के पास घर में रहने के लिए जगह नहीं, वो संडास कहाँ से बनाएंगे। पानी की सर 8 दिन में 10 दिन में एक बार पानी आता है, वही पानी में कीटाणु हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग पीते हैं। 4 दिन में 2 दिन में पानी आना चाहिए। नहीं आ रहा सब, साफ सफाई नहीं है तो बीमारी तो फैलेगी ना। कौन बोलता सर, जिसको बोले वही बुरा हो जाता है, इसलिए सब लोगों ने बोलना चाहिए ना। बीमारी से गांव में एक महिला कौशल्या बाई की मौत हो चुकी है। पिछले एक महीने से गांव में बीमारियों का डेरा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इसकी कोई खबर नहीं है। गांव में अब तक कोई स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया है। देखिए सभी जगह व्यवस्थाएं हैं, अभी हमारे यहाँ ग्राम आरोग्य केंद्र भी खुल गए हैं और आशा कार्यकर्ता उनके पास भी जो साधारण उपचार की, रोकथाम की, सपोर्टिव ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, उनके पास भी दवाइयाँ हैं। और अभी जो कि मौसम में लगातार वो हो रहा है परिवर्तन, लगातार नमी बनी रही, कल के दिन थोड़ी धूप भी निकली, तो इस वजह से जो है वायरल फीवर इस समय काफ़ी फैलता है। गांव में जो है थोड़ा सा हाइजीन भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी मवेशियों का वो रहता है साथ साथ में, तो उसके कारण भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नहीं, BMO साहब आज आए भी थे, मुलताई के BMO, और अभी मेरी चर्चा भी हुई उनसे, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी महिला की कोई डेथ हुई है या किस वजह से। लेकिन ये जरूर है, बीमारियां जरूर फैली है, लेकिन कोई एपिडेमिक की स्थिति नहीं है, कोई महामारी किसी तरह की नहीं फैली। मजबूरी के चलते लोगों को उन झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, जिनकी ना डिग्री का पता है और ना उन्हें सही इलाज करना आता है। गांव के एक झोला छाप डॉक्टर से बात करने पर मालूम हुआ कि लोगों की जान से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और अगर यही आलम रहा तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 1 न्यूज़, बैतूल।